तेज प्रताप ने आखिर दे दिया, बड़ा बयान, मुझे कोई समझ नहीं रहा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरे माँ बाप भाई बहन सब ने मुझे नकार दिया, सब ऐश्वर्या के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरा परिवार कोई नहीं खड़ा रहा है, सब ऐश्वर्या के साथ है, हालांकि वो अपना इरादा नहीं बदलेंगे। ऐसी उम्मीद थी कि अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद शायद तेज प्रताप यादव अपना इरादा बदल लेंगे, मगर अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का पिता लालू यादव के सुलह समझौते की सलाह नहीं मानने के पीछे ये तर्क है, उन्होंने कभी भी तेज प्रताप की बात नहीं मानी है। जो वह उनकी बात मान ले, पूरे परिवार के राजनीतिक नुकसान के बारे में पूछे जाने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें जो नुकसान हो रहा है उसका क्या। तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने अपनी अधिकांश बातें कोर्ट में दायर याचिका में कही है और जरूरत आने पर वो और कोर्ट के सामने तथ्य रखेंगे। इसी बीच कोर्ट में दायर याचिका में बिंदुओं को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। अधिकांश लोगों का कहना है कि इस याचिका में अधिकांश बिंदु तेज प्रताप यादव की मानसिक स्थिति को दर्शाता है, लेकिन उनके रूप से साफ दिख रहा है वो सुलह समझौते के मूड में नहीं है। हालांकि उनके तमाम आरोप के बावजूद उनकी पत्नी ऐश्वर्या या उनके ससुर चंद्रिका राय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि सबको लग रहा है कि इसमें परिवार को और बदनामी होगी। राजदा नेता तेज प्रताप यादव ने शनिवार को रांची स्थित एक अस्पताल में अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की और कहा कि वह ऐश्वर्या राय के साथ अपने 6 महीने पुरानी शादी समाप्त करने के अपने निर्णय पर कायम है, क्योंकि वह घुट घुट कर नहीं जी सकते।